नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी। हम बताने जा रहे हैं 1 तारीख का राशिफल। हमारी पहली राशि है मेष यानी एरीस। बहुत अच्छा दिन है, किसी ऐसी योजना में आपका प्रवेश हो सकता है जिसको महत्वाकांक्षी बोलते हैं, और या कोई महत्वाकांक्षी कार्य आपके पक्ष में संपन्न हो सकता है जिसको लेकर आपने काफ़ी समय से प्रयत्न किया हो, और यह कार्य आपके लिए काफ़ी सुखद भी रहेगा और आपका लाभ का मार्ग प्रशस्त करेगा। और इसके बाद आपको खुद लगने लगेगा कि अब मैं कोई बड़ा कार्य करने जा रहा हूँ, तो यह अच्छा है। नए दोस्त बनेंगे, नए लोगों से भेंट मुलाकात होगी और ये सारे कार्य आपके हित में पक्ष में रहेंगे। आपका शुभ रंग है हरा। अगली राशि है वृष यानी टॉरस। अच्छा दिन है, ख़ासतौर से नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए। वर्तमान नौकरी व्यवसाय के मामले में एक बहुत ही सुखद एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। अधिकारियों के साथ, सहयोगियों के साथ एक अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा। वे आपकी भावनाओं को भी समझेंगे और आपके इंटेलिजेंस की भी तारीफ करेंगे, और जो आप भी काम आपको मिलेंगे, जो भी कार्य आप हाथ मिलेंगे, उन कार्यों को आप बहुत शिद्दत के साथ संपन्न करेंगे, और ऐसा करने से आपकी जो साख है और बढ़ेगी और कोई नया पद आपको भविष्य में कभी आगे चलकर प्राप्त भी हो सकता है। आपका जो शुभ रंग है वो है लाल। अगली राशि है मिथुन यानी जैमिनी। भाग्य के सहयोग से रुके हुए कार्यों के बनने का अपार हर्ष होगा। आप नए कार्यों को करने का मन बनाएंगे। अगर कोई व्यवसाय नया करना चाह रहे हैं या कोई नई एंटरप्रेन्योरशिप के विचार कर रहे हैं, तो उसमें आपको भाग्य का सहयोग भी मिलेगा और कुछ ऐसे लोगों से आपका संपर्क बनेगा जो आपकी इन योजनाओं को आगे बढ़ाने में काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे। कुल मिलाकर अच्छा दिन है और धन लाभ भी हो सकता है। भविष्य में विदेश जाने का अगर कोई आपका मन है, तो उस दृष्टि से भी आपको कोई आज सुखद समाचार मिल सकता है। आपका जो शुभ रंग है वो है गोल्डन। अगली राशि है कर्क यानी कैंसर। किसी कार्य के ना बनने का मलाल रहेगा, हालांकि कुछ कार्य तो बनेंगे। ऐसा कह सकते हैं कि आज का दिन मिक्स्ड है। जो कार्य बनेंगे वो तो बहुत अच्छे से बनेंगे, वो जो नहीं बनेंगे उसमें कुछ ना कुछ विघ्न होता रहेगा। ज़िंदगी यूं ही चलती है, अगर इस बात को समझ जाएंगे तो कोई संकट नहीं है। नहीं समझेंगे तो डेफिनेटली फिर आदमी कहता है अरे इतने प्रयासों के बाद भी ये नहीं बना, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। लेकिन देखिएगा ना, जो बने उसमें तो किसने कुछ किया होगा। तो अगर थोड़ा अपनी पॉजिटिविटी बढ़ाएंगे और अपने को खुद ही प्रमोट करेंगे या पॉजिटिव रखेंगे, तो उससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा। कुल मिलाकर दिन थोड़ा सा नाजुक है, लेकिन साथ में अच्छा भी है, मिक्स है तो दोनों है। आपका जो शुभ रंग है वो है पीला। अगली राशि है सिंह यानी लियो। अच्छा दिन है, भेंट मुलाकात के लिए अच्छा दिन है। नई पार्टनरशिप कर सकते हैं, नई एसोसिएशन हो सकती है। अगर किसी जॉब की तलाश में है, इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी और पारिवारिक वातावरण बहुत ही सुखद रहेगा। अगर विवाह के लिए कोई बातचीत चल रही है, तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। इससे पूरे घर में एक खुशी का माहौल देखने को मिलेगा, और कुल मिला के आज का दिन काफ़ी संभावनाएँ लेकर आया हुआ है। अगली राशि है कन्या यानी वर्गो। अगर कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, एग्जाम चल रहा है, आजकल तो ऑनलाइन ही बहुत कुछ होता है, किसी भी तरीके से हो, तो उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। और कोई ऐसा कार्य जो मनमाफिक हो, उसके बनने की पूरी पूरी संभावना है। विरोधी चाहकर भी आपको हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि जो कल तक आपका अपोज कर रहे थे, उनसे आपकी सुलह हो जाए, दोस्ती हो जाए, या बीच में कोई मलाल था, मन का मलाल था, उसके दूर होने की पूरी पूरी संभावना है। तो एक ऐसा दिन है जहाँ जो डेडलॉक था, जो रुकावट थी,
उससे निजात मिलने की पूरी पूरी संभावना है। और अगर ऐसा कोई मौका आता है तो हम समझते हैं उसे गंवाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी दुश्मनियाँ होती हैं वो अवरोध ही पैदा करती हैं। दोस्ती हो जाए तो फिर उस व्यक्ति से खतरा नहीं रहता कल तक जो हमको नुकसान पहुंचा सकता था, ऐसा समझदार लोग बोलते हैं। आपका जो शुभ रंग है वो है नीला। अगली राशि है तुला यानी लिब्रा। जो लोग रचनात्मक क्षेत्र से संबंध रखते हैं, जैसे लेखन, साहित्य, कला, संगीत, सिनेमा आदि से, उन्हें आगे बढ़ने के बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। और इसमें आपको उन लोगों से पूरा सहयोग प्राप्त होगा जिनको आप बहुत गुरु टाइप मानते हैं, बड़ा मानते हैं। वे लोग आपके लिए काफ़ी अच्छे साबित होंगे और आपके कार्य को आगे बढ़ाने में या आपको प्रोत्साहन देने में उनका उनकी भरपूर भूमिका रहेगी। ये भूमिका आपके वर्तमान जीवन में भी और आगे चल के भी काफ़ी कारगर सिद्ध होगी। कुल मिलाकर एक आशावान दिन है और इससे नई आशाएं जगती हैं और आप काफ़ी स्फूर्तिवान रहेंगे। धन लाभ की दृष्टि से दिन अच्छा है और रुके हुए धन के मिलने की भी संभावना है। आपका जो शुभ रंग है वो है नीला। अगली राशि है वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। थोड़ा अवरोध रहेंगे, दिक्कत रहेगी, इमोशनल इश्यूज हो सकते हैं, साथ में प्रोफेशनल भी हो सकते हैं। उन दोनों में बैलेंस बनाने में कहीं ना कहीं मुश्किल आएगी, और अगर आप धैर्य और संयम को साधेंगे, उससे काम करेंगे तो मैनेज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आज ही के दिन ऐसा कुछ हो रहा है, अक्सर हम लोगों को सबको ही कभी जब प्रोफेशनली प्रॉब्लम होती है तो घर में होती है, घर में होती है तो प्रोफेशनली होती है, क्योंकि हम अपने को अलग नहीं कर सकते, अलहदा नहीं कर सकते। आप सबसे ही जुड़े हुए हैं, ऑफिस से भी जुड़े हैं, कार्य प्रणाली से जुड़े हुए हैं और घर से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ का टेंशन वहाँ, वहाँ का टेंशन इधर, तो ऐसा अक्सर होने की संभावना रहती है। और जब ग्रह स्थिति अपने पक्ष में ना हो तब इसके चांसेस काफ़ी ब्राइट हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा और अगर धैर्य रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका जो शुभ रंग है वो है हरा। अगली राशि है धनु यानी सेगिटेरियस। उत्साहवर्धक दिन है और भाग्य का पूरा आपको सहयोग प्राप्त होगा। भाग्य के सहयोग से कठिन कार्य भी बनेंगे, नए मित्रों का आपको सहयोग प्राप्त होगा और संपर्क के माध्यम से नए लोग आपके पक्ष में आए, आपके आपके कांटेक्ट में आएंगे, और ये जो कांटेक्ट हैं आपको आगे चलकर बहुत लाभ देंगे। यात्रा का योग भी बन रहा है, हो सकता है वर्तमान में ना हो लेकिन भविष्य में अच्छी खासी यात्रा होगी, ऐसी यात्रा जिससे आप सुख भी होगा और आपका लाभ भी होगा। तो कुल मिलाकर एक नई संभावनाएं लेकर ये दिन आया हुआ है, और अगर जागरूकता से अपने आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। आपका जो शुभ रंग है वो है पीला। अगली राशि है मकर यानी कैप्रिकॉर्न। आर्थिक क्षेत्र में जो भी प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। पारिवारिक वातावरण खुशहाली लिए रहेगा एवं परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिलेगा। अगर विवाह या किसी और शुभ कार्य को लेकर बातचीत चल रही है तो उसके सफल होने की पूरी पूरी संभावना है। रुके हुए धन के मिलने की भी आस बंधेगी, और अगर आप बैंक या किसी अन्य वित्त संस्थान से ऋण आदि प्राप्त करने के इच्छुक हैं तो उस दृष्टि से भी आज का दिन आपके लिए काफ़ी माकूल है। आपका जो शुभ रंग है वो है ब्लैक। अगली राशि है कुंभ यानी एक्वेरियस। आपके मनोबल में वृद्धि होगी और बड़े उत्साह के साथ आप अपने कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, और जिस भी कार्य में आप अपना हाथ रखेंगे या इंटरेस्ट लेंगे उस कार्य के बनने की और सफल होने की पूरी पूरी संभावना है। कुछ लोग भी आपको इस दौरान आपके इस कार्य में सफलता प्रदान करने में सहायक होंगे। ये आपके मित्र भी हो सकते हैं, ये आपके एक्विंटेंस भी हो सकते हैं, और कई बार कोई अपरिचित व्यक्ति मिलता है वो हमारा मित्र हो जाता है, वो हमको इतना लाभ दे जाता है कि हम भौचक के रह जाते हैं, अरे ये साहब कहाँ से आए, इनसे तो इतनी जान पहचान थी नहीं, और ये ऐसे इसलिए बोलते हैं, ये देवता के बराबर थे। तो इस तरह की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। तो कुल मिला के आज का दिन एक नई संभावना लेके आया है और ये आपके मन को
प्रसन्नता प्रदान करने वाला भी सिद्ध होगा। आपका जो शुभ रंग है वो है भगवा। अगली राशि है मीन यानी पाइसेस। थोड़ा नाजुक दिन है, ध्यान रखिएगा, जोखिम उठाने से हानि हो सकती है लाभ की जगह। और जहाँ पर इन्वेस्टमेंट का सवाल है, वो ऐसे इन्वेस्टमेंट जिसके बारे में आपको जानकारी ज़्यादा नहीं है, उसमें हाथ नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको उसमें हानि हो भी जाएगी, ध्यान रखिएगा। और जो लोग स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में नाहक इंटरफेयर करते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, उनके लिए आज का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं। और जो लोग इस तरह के रिस्की वेंचर्स में जुड़े रहते हैं, उन्हें भी थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के प्रति भी चेतन रहना चाहिए, जितने चेतन रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर दिन थोड़ा सा नाजुक है, और जब भी कोई समय नाजुक होता है तो हमारी चेतन्यता बढ़ना चाहिए। आप जितनी अपनी चेतन्यता बढ़ाएंगे उतना ही आपको लाभ होगा। आपका जो शुभ रंग है वो है सफ़ेद। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।